आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलजार इमाम कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा रहा है, जबकि BNA पंजगोर और नौशकी में इदारों की तनसीबात पर हमलों और दर्जनों पुरतशद्दुद दहशतगर्द हमलों में भी मुलव्विस रहा। गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाद बुगटी का नायब रहा। गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत मशहूर आपके वक्त है। हारिस साहब, ये जो ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, इससे आप क्या समझते हैं? जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनकी किस तरह से कमर टूटी है? देखें, एक तो ये गुलजार इमाम जो शंबे, ये एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था और इसने बहुत दर्जन जो ऑपरेशन टेररिस्ट अटैक्स किए हुए थे। उसके बाद ये आप भी आपने कहा कि डिप्टी कमांडर का बरामदा मुफ्ती का बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ, फिर इसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी को और उसके साथ बलोचिस्तान के बाद यूनाइटेड बलोच आर्मी को मिला के इसने बलोचिस्तान नेशनल आर्मी, और ये बहुत ज़्यादा इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और ये एक दफा नहीं किसी दफा इसको ये इसको पकड़ने की कोशिश की गई और ये बहुत ही बड़ा कैच है, वेरी हाई वैल्यू टारगेट, और जो इसको पकड़ा गया है उसके बाद आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बताएगा कि कौन कौन सी हॉस्टाइल एजेंसी इसको सपोर्ट करें, कौन इसको फंडिंग प्रोवाइड करती है, कौन इसको पैसा देती है, कहाँ से ये ऑपरेट करता था, तो इसके पाकिस्तान में बलोचिस्तान में सहूलतकार कौन कौन थे उनके बारे में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में इससे एक अच्छा अब बात यह है कि ये देखना है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या देता है, क्योंकि जिंदा पकड़ना बहुत ही इसके लिए बेहतर था और बहुत बड़ी काविश की गई है, बहुत मेहनत की गई हमारी मुसल्ला फौज ने, हमारी इंटेलिजेंसी ने मिल के ऑपरेशन करके इसको पकड़ा। जब आपके दुश्मन ऐसे टारगेट को फौरन वो मार देते हैं ताकि डाइवर्ज ना हो इसको, अब इसके बाद अब हमें बहुत ही डिटेल बताएगा कि मुल्क में सहूलत कौन है, उसके बाद इसको पैसा कौन देता है, इसको फंड ये सारे रिकॉग्निशंस कौन करवाता है, उसके बाद इसको वेपन एमुनिशन कौन देता है, ये सारी चीजें पता चलेगी। आपको लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जिस तरह से इसको पकड़ा गया है आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने दिफा को मजीद मजबूत कर सकेगा और मजीद जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं उनमें ये काफी मददगार साबित होगा? इसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी कि और कौन कौन से ग्रुप हैं, वो कौन सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये जितनी बलोचिस्तान में पसंद तंदीम है उनकी कमर तोड़ दी होगी इसने, बिकॉज ये आप हर एक के बारे में बताएगा कौन कमांडर है, कौन सहूलतकार है, कौन हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी इसको सपोर्ट करती है, इंडियन रॉ कैसे सपोर्ट करती है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। और फिर सेकंड ये बात याद रखें इसके साथ कि आप सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की जरूर आवाम को याद रखनी चाहिए कि वो जो अननोन हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिनका पता नहीं होता वो कितनी मुल्क के लिए अहम कोशिश कर रहे हैं और फिर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो देखने की जरूरत है। जब ये क्रिटिसाइज किया जाता है मुसल्ला फौज को, याद रखें ये बहुत मोरल को अफेक्ट होता है, उनकी फैमिली को शोध है कि फैमिली को बड़ा अफसोस होता है कि देखिए हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड शहीद हो रहे हैं और अवाम ऐसी बातें करते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो पाकिस्तान पर अटैक है, इसमें फौज और अवाम को इकट्ठे रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की मुसल्ला फौज अवाम की ताकत पर कुछ भी नहीं है, यू फाइट एज अ नेशन। इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमें इस चीज़ का खास तौर पर अदराक होना चाहिए और सबको मिलके ये करें। और सेकंड, ये जो कोई हमारी मुसल्ला फौज सेक्रीफाइस कर रही हैं, आप सोच नहीं सकते कितने कठिन जगहों पर, कितनी मुश्किलात में भी आप ब्रिगेडियर बर्की शहीद हुए हैं, इससे पहले कई मेजर कैप्टन जनरल तक शहीद हुए हैं और ये हमारे बहुत बहुत बैटल है। इस कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ ऑफ जनाब से मुनीर, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर हमारे ट्रुप्स सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सिक्योर किया जाए इंटरनली और एक्सटर्नली। ये मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये पकड़ा गया है, इससे इतनी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इतनी ज्यादा खबरें मिलेंगी, और जब TV पर आएगा तो आप देखेंगे ये क्या क्या वहां पर बताएगा कि म्यूजिक कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ अब हमें जरूरत ये है कि हम हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को
हमारे अम्बेसडर दुनिया के हमारे इस्लामाबाद में, उनको ब्रीफ किया जाए, उनको बताया जाए कि ये क्या कुछ ये कर रहे हैं, इंडिया इन्वॉल्व है, कैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता है, इससे हमारी इकोनॉमी को, हमारे मुल्क का कितना इंतजार हो रहा है, ये बताने की जरूरत है। और बोर्ड प्रॉपर डोजर बनाया जाए, फिर उसके बाद OIC में, यूनाइटेड नेशन में लेके जाया जाए, बताया जाए और कन्विंस किया जाए दुनिया को कि इंडिया सबसे बड़ी टेररिस्ट मुल्क है, ये हमें खासतौर बताने की जरूरत है। दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब 92 न्यूज का वक्त दे रहे थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वजीर